नमस्ते, मैं हूं नैना अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल रूयोग में। हर तरफ कोरोना, हर बात में कोरोना, जो चैनल लगा लो कोरोना। कोरोना की दहशत चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन क्या है इसका इलाज? लोग इससे डरे हुए हैं, लोग सोच रहे हैं उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या उनके साथ किया जाएगा। बहुत से लोग तो ये सोच के चेकअप नहीं करवा रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, उन अफवाहों पे बिल्कुल भी मत जाइए। लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, जो आपके जो व्हाट्सएप और इस तरीके से अगर कोई भी इस तरीके की अफवाह आती है, बिल्कुल उसको ध्यान ना दीजिए, बिल्कुल उसको आगे शेयर मत करिए, जो डराने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि कोरोना कोई डरने वाली चीज़ बस इतना है कि आप उससे सेफ रहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा। हर हमारी जो सरकार है वो आपका भला चाहती है, इसीलिए ये लॉकडाउन हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप घर पे रहो। इसका ट्रीटमेंट जो है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। अभी तक कोई हमारे जो डॉक्टर हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे क्या पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट इस चीज़ से रिसर्च पे लगे हुए हैं, और जल्दी ही इसका इलाज आ भी जाएगा। लेकिन अभी जो कोरोना के पेशेंट हैं या जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उन बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आपको अगर थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं तो तुरंत जाके अपने नज़दीकी जहाँ पे कोरोना का चेकअप हो रहा हो वहाँ चेकअप कराएं, या फिर जो आपको हेल्पलाइन दी गई है उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। कोरोना का क्या है ट्रीटमेंट? कोरोना के पेशेंट को अलग रखा जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोरोना के किसी के साथ रहेगा तो जो उसको है वो वायरस किसी और को ना फैले, आपकी फैमिली को ना फैले, इसीलिए आपको उन सबसे अलग रखा जाता है। जो वेंटिलेटर पे रखा जाता है उसमें आपकी ऑक्सीजन के लिए आपको रखा जाता है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो आपका जो सांस है वो घुटने लगती है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, जिससे आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती रहे। जितने भी दिन आप अगर ट्रीटमेंट में हैं, जितने भी दिन आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं हॉस्पिटल में, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती रहे। इसकी जो रिकवरी है वो आपकी बॉडी खुद ही करेगी। आप पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या आप पे कोई गलत इलाज नहीं होगा, या आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे आपको डरने की ज़रूरत है। ये पूरा अभी तक जो है जो सही हो रहे हैं वो आपकी इम्यूनिटी की वजह से, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी जो बॉडी है वो खुद ही उससे फाइट कर रही है। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, आप योगा करिए, आप प्राणायाम करिए, अपनी डाइट अच्छी करिए, ऐसी डाइट लीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट तो आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी ये वायरस आपसे उतना दूर रहेगा। गलती से अगर ये आपको हो भी जाता है तो आपकी जो बॉडी है, जो आप इससे रिकवर होंगे, ये पूरा डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे। आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी आप उतनी जल्दी कोरोना को हरा पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आज जितना हो सके लोगों पर शेयर करें, जिससे ये जो लोग डर रहे हैं, जिस डर के मारे कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप उन लोगों को ये वीडियो उन तक पहुंचे, जिससे ये डर उनके दिल से निकले। थोड़े से भी सिम्टम्स होने पे वो डॉक्टर्स के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। पूरी जो डॉक्टर की टीम है उनकी पूरी सुविधा के लिए, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उल्टा उनको ये चीज़ का, अगर वो घर में रहेंगे तो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, पूरे समाज को भी ये वायरस फैलाएंगे। अगर आपको है तो ये चीज़ आपके लिए ही और आपकी फैमिली के लिए, ये हमारे समाज के लिए है कि तुरंत अगर कुछ भी अगर सिम्टम्स आपको दिखें तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपको पूरी तरीके से ठीक किया जाएगा। और आपने देखा होगा इसमें जो बहुत अभी तक हमारे यहाँ पे इतना नहीं फैला है, और फैले भी ना, अगर हम लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोगों को पूरा तरीके से जागरूक रहना है, सफाई रखनी है, हम लोग अगर इस पे थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फैल पाएगा। और अभी तक जो हुआ है, जो मौतें भी हुई हैं कुछ, वो जो जिनकी एज बहुत ज़्यादा है या जिनकी इम्यूनिटी एज के साथ साथ थोड़ी सी वीक हो जाती है, उनको ये हुआ है, या फिर कोई हार्ट पेशेंट हो या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, उनको ये होने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ी सी वीक होती है। तो आप कोशिश करें, प्राणायाम करें, आप योगा करें, आप अच्छी डाइट लें, और प्लीज़ अगर कोई भी सिम्टम्स दिखे तो अकेले रहें, फ़ोन करें, जल्दी से जल्दी अपना चेकअप करवाएं, और अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करिए। आगे तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मुझे आगे से पता चलता रहेगा इस वायरस के बारे में, तो मैं तो आपको अपडेट करती रहूँगी। अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।